आप सबको प्रणाम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एक बार टहलते हुए नदी किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि इन मछलियों को ध्यान पूर्वक देखो। तो जब शिष्य ने वहां जाकर देखा तो जाल में कई सारी मछलियां फंसी हुई थी। तब गुरु ने बताया कि इस जाल में तीन प्रकार की मछलियां फंसी हुई है। पहली वो जो ये मान चुकी हैं कि अब उनका जीवन समाप्त हो गया है और वो जाल से बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रही हैं। दूसरी प्रकार की मछलियां जो कोशिश तो कर रही हैं जाल से बाहर निकलने का, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तीसरी प्रकार की मछलियां जो कि बहुत ही खास हैं और वो जाल से बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं और जाल से बाहर निकल भी जाती हैं और अपने प्राण बचाकर तैर कर दूर जा चुकी हैं, क्योंकि वो मछलियां तब तक प्रयास करती हैं जब तक कि वो जाल से बाहर नहीं निकल जाती। इसी प्रकार हम मनुष्यों के भी तीन प्रकार हैं। पहले वो जो अपने दुखों अपनी परेशानियों को अपना भाग्य मानकर इसी दुख में ही मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो दुखों से बाहर निकलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ठीक से प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें भी कोई मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पा रहा है। तीसरे प्रकार के लोग जो कि बहुत ही खास हैं, वो प्रयास भी करते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि वो तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। इसी प्रकार हम यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। तो इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने हमें बताया कि किस तरह हमें लक्ष्य प्राप्ति में तब तक लगे रहना चाहिए जब तक कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।